हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट की चारों सम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो सेकंड पार्ट है क्या कहता है, कहता है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन वन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन वन में दिया गया है, जिसको हमने कंप्लीट इसके मेथड से सॉल्व किया है, उसी क्वेश्चन को हमने बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं बात कर दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो देखो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद आपको पता है रूट्स कितने होते हैं, दो रूट्स होते हैं, तो एक रूट्स को अल्फा, एक रूट्स को बीटा। ठीक है, अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस बी माइनस डी अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस इतना ही फर्क होता है, एक बार प्लस करना होता है एक बार माइनस करना होता है। तो हमारे पास दो रूट निकालने हैं। ठीक है, तो पहले डी फाइंड करेंगे। अगर जो हमने डी निकाला है, डी निकालेंगे, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तभी हमारे पास रूट्स पॉसिबल हैं, अदरवाइज रूट्स पॉसिबल नहीं है। चलो निकालते हैं, कहते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, इसको पहले क्या निकालते हैं, मैंने बताया पहले डी निकालेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है हमारे पास डी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो क्या हमारे पास डी निकालना है। तो बी कितना हमारे पास माइनस का 7² - 4, ए कितना हमारे पास 2, ए क्या हमारे पास यहाँ पे देखो 2, सी कितना हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद 7 7 = 49, माइनस का है तो दो बार माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 49 माइनस 4 3 8, 4 2 8, 8 3 24, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ गया 49 से 24 अगर माइनस कर दो आप तो कितना आता आपके पास। यहाँ देखो अगर मैं 49 को 24 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 5 2 25। तो हमारे पास डी कितना आ गया 25। इसका मतलब ये क्या है, जीरो से बड़ा है। ठीक है, मतलब डी से जीरो से बड़ा है तो मतलब 25 है, मतलब इसके रूट्स पॉसिबल हैं। चलो अब रूट्स निकालें, रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहले अल्फा का निकाल लेते हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद माइनस बी, बी क्या हमारे पास देखो बी की वैल्यू माइनस 7 है ना, तो मैंने लिखा दिया माइनस 7। ठीक है, उसके बाद प्लस डी कितना हमारे पास, ये निकाला हमने अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 25 पुट कर दी मैंने यहाँ पे अपॉन 2 का एज इट इज है। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास कितना है 2। ठीक है, उसके बाद देखो इज इक्वल टू ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब 7 आ गया। उसके बाद प्लस अंडर रूट 25 का क्या होगा, इसका रूट 5 होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का अगर 25 का निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 25 का मैं निकालूँ तो कितना निकलेगा, देखो 5 5 25, ठीक है 5 = 5, ये हो गया 5 5 का 2 बन गए, तो 1 लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट से वो बाहर आ जाता है। तो 7 + 5 अपॉन ये कितना है 2 2 4, कितना बन गया हमारे पास 7 5 12 अपॉन 4 कट गया, कितना बन गया 3। एक रूट हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड रूट फाइंड करना है, सेम बीटा लगा दो यहाँ पे। तो बीटा क्या है, सेम माइनस बी, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेगा फिर डी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी देखो बी कितना है -7। ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूले का ही है। उसके बाद माइनस डी कितना निकाला हमने, अंडर रूट 25 है, डी तो हमने 25 ही निकाला है, देखो डी 25 निकाला है। उसके बाद 2a कितना हमारे पास 2, कितना आ गया हमारे पास -7 माइनस ये कितना बन जाएगा अंडर रूट 25 है, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो हमारे पास कितना आ जाता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 7 में से 5 गए 2 2 बटा 4 कट गया, कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से आ गए रूट्स हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 3, एक आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस 3 and 1/2 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड रूट्स, तो हमारे पास दो रूट्स आ गए हमारे पास, कौन कौन से 3 and √2। उसके बाद सम है हमारे पास सेकंड, सेकंड सम की बात करें तो हमारे पास सेकंड सम क्या है, देखो 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो सेम इसी मेथड से करना है, पहले आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b कितना मेरे पास यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। उसके बाद 4, a कितना हमारे पास देखो 2,
ए हमारे पास, सी कितना हमारे पास माइनस फोर, तो माइनस का फोर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो वन का स्क्वायर वन माइनस चार दूनी आठ, आठ चौके बत्तीस, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का बत्तीस। देखो माइनस माइनस दो बार तो प्लस हो जाएंगे ना, तो चार दूनी आठ चौके बत्तीस, वन प्लस बत्तीस कितना होगा थर्टी थ्री, डी कितना आ गया मेरे पास थर्टी थ्री आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, मतलब देखना है ये डी जो है जीरो से बड़ा है, देखो ये वाली, तो हाँ बड़ा है जीरो से, तैतीस तो बड़ा है ना, तैतीस बड़ा है जीरो से, इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो रूट्स अल्फा निकालेंगे, पहले बीटा निकालेंगे, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद माइनस बी, देखो बी क्या हमारे पास यहाँ पे एक्स के सामने वन, तो माइनस का वन प्लस अंडर रूट डी कितना है थर्टी थ्री अपॉन टू, ए कितना मेरे पास टू, ठीक है, तो कितना आ गया माइनस वन प्लस अंडर रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर, एक रूट तो हमारा ये आ गया। अब बीटा कैसे फाइंड करेंगे, सेम मेथड से ही, बस माइनस बी यहाँ पे माइनस आ जाता है, डी अपॉन टू ए क्या हो गया, बी की वैल्यू बताओ कितनी है वन, तो माइनस का साइन है तो माइनस वन प्लस अंडर रूट डी कितना है हमारे पास थर्टी थ्री है, ठीक है, अपॉन में टू ए, ए कितना मेरे पास यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ए कितना टू, तो मैंने लिख दिया टू, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस अपॉन फोर, तो हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स आ गए, तो क्या लिखोगे लाइन, हैंस हैंस कितना है माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री थ्री अपॉन फोर एंड माइनस वन माइनस अंडर रूट थर्टी थ्री अपॉन फोर आर दी रिक्वायर्ड रूट, आर दी रिक्वायर्ड रूट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो रूट्स फाइंड कर दिए।